नमस्कार राम राम सताल प्यारे किसान भाइयों रबी फसलों के अंतर्गत आज हम आलू फसल के बारे में बात करेंगे एक प्रगतिशील काश्तकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे किसान भाइयों ये जो समय चल रहा है जनवरी का महीना इसमें है जो आलू की फसल के अंतर्गत पाला जो मारने की फसल को संभावना रहती है पाला पड़ने से आलू की फसल है जो खराब हो सकती है तो इस समय किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखें खेत के अंदर हल्की सिंचाई करें साथ साथ में अपने फोलियर स्प्रे कर सकते हैं एच टू एस ओ फोर गंदक का अमल है वो एक एम एल एक लीटर पानी के अंदर मिला करके यदि स्प्रे करते हैं तो इससे हमारी फसल है वो पाले से बच जाती है साथ साथ में अपने इसमें स्प्रे कर सकते हैं सल्फर पैंसठ परसेंट और टिब्बू कैनाजोल है दस परसेंट दोनों मिलाकर के दो जो मिक्स रेडीमेंट आता है वो अपने दो ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि स्प्रे करते हैं तो फसल को हम पाले से बचा सकते हैं इसके साथ साथ में किसान भाइयों ये जो समय चल रहा है जनवरी के एंड में जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा अप होता है तो आलू के अंदर ब्लाइट की समस्या आ जाती है अल्टरनेरिया ब्लाइट है और लेट ब्लाइट यानी जिसको अपने सिंपल भाषा में कह सकते हैं झुलसा रोग की समस्या आ जाती है झुलसा रोग से बचने के लिए अपने इसके अंदर एक तो पाड़ा भी नहीं मारेगा साथ में जुलसे से बचाव भी रहेगा स्यूडोमनास फ्लोरेसेंस का प्रयोग कर सकते हैं अपने स्यूडोमनास आलू की जो पत्तियां होती है उसकी एपिडर्मिस में चला जाता है और लगभग ये चालीस से पचास दिन तक वहीं रहता है पत्तियों का जो कोशिका द्रव्य है जीव द्रव्य उसको जमड़े नहीं देता जिससे पाड़े से भी बचाव रहता है फास्क को भी गोलने का काम करता है यदि प्रिवेंटिव हम इसका स्प्रे कर लेते हैं लेट ब्लाइट आने से पहले लेट ब्लाइट है वो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस एक कवक जनित बीमारी है शुडोमनास का स्प्रे कर लेते हैं तो इस बीमारी से रोकथाम मिलती है साथ में पाड़े से भी बचाव रहता है इसके साथ साथ में किसान भाई है जो मैंगोजेब है चौंसठ परसेंट प्लस साइमोक्सिलिन आता है आठ परसेंट उस और किसान भाई इसके अंदर इप्रोवेली कार्ब के नाम से दवाई आती है पांच पॉइंट पाँच परसेंट साथ में उसके अंदर प्रोपिनेब होता है लगभग इकसठ पॉइंट टू परसेंट ये आप दो ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करती हो तो किसान भाइयों अल्टरनेरिया ब्लाइट है साथ में लेट ब्लाइट है इससे बचाव रहता है और पाले से बचाव के लिए आप हल्की सिंचाई करें साथ में खेत के अंदर धुआं भी कर सकते हैं तो इस तरीके से जो ठंड का मौसम है इसमें पोषक तत्व प्लांट है जो लेता नहीं है तो फोलियर स्प्रे के रूप में भी आप इसमें जो है उन्नीस उन्नीस का स्प्रे कर सकते हैं या बीस बीस का स्प्रे पाँच सौ ग्राम तो है जो 100 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व चाहे पाउडर फॉर्म में लो या लिक्विड फॉर्म में 300 सौ 100 लीटर पानी के अंदर स्प्रे करते हो तो आपको बढ़िया परिणाम मिलेंगे पोषक तत्वों के अंदर आप जीरो बावन चौंतीस का भी स्प्रे कर सकते हो और साथ में इसमें आप यदि नैनो यूरिया मिला करके स्प्रे करना चाहते हो तो मिक्स करके स्प्रे करते हो तो पोषक तत्वों की आपूर्ति भी हो जाती है इस तरीके से हमें खेत की रोज़ देखभाल करनी है ताकि विपरीत जो मौसम चल रहा है पाले वाला इसमें हमारी आलू की फसल को किसी प्रकार का नुकसान न हो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं राम राम जी किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है नमस्कार जी शुभ नाम बताइए अपना मेरा नाम अजय गांधी गाँव उमरपुरा थे हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं अपने मोबाइल नंबर बताए अजय जी चौहत्तर दो सौ पचास अड़तीस डबल जीरो तो आलू की फसल की यदि अपने बात करें तो कितने बिगो के अंदर है जो आपने आलू है जो लगा रखा है सात बीगो में लगा रखा है सात बिगो में आपने जो आलू लगा रखा है वरायटी की बात करें अजय जी कौन सी वरायटी लगा रखी है पांच पुष्कर लंबी चाल लगा रखी है और दो में मोन मोन एक नई वरायटी अजय जी फर्टिलाइजर की बात करें तो शुरुआत के अंदर आपने उर्वरक कितना दिया इसके अंदर इसमें सर डेढ़ बिघे की हिसाब से तो डी और जिंक, जिंक सल्फर कैल्शियम दिया। सल्फर दिया। पोटास भी दिया, आ, पोटास भी दिया। पोटास नीचे बीज की बात करें तो बीज आपने एक बीघा के हिसाब दस, से डल एक अपने स्प्रे की बात करते हैं तो कौन कौन सी आपने इसमें जो है फोलियर के रूप में स्प्रे है चाहे रोगों से बचने के लिए चाहे पोषक तत्व वाली कौन कौन सी की है हमने स्टार्ट में स्टार्ट से लगाया था एम पैंतालीस

लगभग सात आठ बीघा में आलू लगा रखा है तो किसान भाई इस समय थोड़ी सी सावधानी रखें ताकि हमारी फसल को पाले से कोई नुकसान न हो लेट ब्लाइट है उससे नुकसान न हो मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में राम राम जी सत श्रीकाल जय भारत जय जवान जय किसान धन्यवाद अजय जी आपका धन्यवाद